तो हमने एनी क्वेरी रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर? एनी क्वेरी रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर? ओके, हम पहले समराइज करते हैं। इज वॉइस क्लियर? ऑलराइट, ओके। तो हम अभी समराइज करते हैं डेल्टा कैलकुलेशन जो हमने पिछले सेशन में सीखा था कि डेल्टा क्या है, और फिर दूसरा था वेगा, ओके, नाउ गामा, सॉरी, राइट, एंड थीटा और वेगा हम आज पढ़ेंगे, राइट। तो ये एक्सेल शीट है जो मैंने आपको अपने ग्रुप में भेज दी है कैलकुलेशन की। सो यू जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यूज एंड योर व्यू एंड यू विल गेट द न्यू प्रीमियम, ओके। सो डेल्टा में कितना चेंज आएगा और उसके प्रीमियम पे क्या इफेक्ट आएगा अपने व्यू के हिसाब से, वो हमने सीखा था। जैसे कि अभी निफ्टी है फॉर एग्जाम्पल 17,511 पे चल रही है और आपका व्यू है बुलिश, ओके, और आपको लगता है कि 17,600 तक तो जाएगा ही जाएगा, ओके। तो इन शॉर्ट आपको इतना मालूम हुआ कि 89 पॉइंट्स की मूवमेंट आएगी, तो अगर आपको कोई भी ऑप्शन खरीदना है तो उसका टारगेट आप कैसे न कैसे प्रिडिक्ट करोगे? विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। हमने देखा था कि एटीएम का डेल्टा आप ये है, ये ओटीएम है और ये आईटीएम है, राइट। तो आईटीएम में ज्यादा प्रीमियम मिल रहा है, ओटीएम में कम प्रीमियम मिल रहा है। द सेम वे अगर आपका व्यू बेरिश है तो क्या होता है, राइट। जैसे निफ्टी 17,511 अभी चल रहा है, अगर 17,400 तक गिर गया तो 111 111 रुपीज का डाउनफॉल आएगा, ओके। तो उसमें प्रीमियम कितना चेंज होगा, राइट। सो प्रीमियम चेंज का कैलकुलेशन तैयार क्या, परसेंटेज डेल्टा ये वाला मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट एक्सपेक्टेड इन पॉइंट्स, राइट। तो हमें कितना कितना पॉइंट की एक्सपेक्टेशन है वो हम देखेंगे यहाँ पे, राइट। तो वो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यू प्रीमियम क्या होगा, तो करंट प्रीमियम प्लस ये जो भी प्रीमियम चेंज हुआ वो, ओके। सो वो ये न्यू प्रीमियम हो गया, राइट। नाउ जैसे हमने देखा था कि गाड़ी चलानी आती हो तभी गाड़ी चलानी चाहिए वरना एक्सीडेंट हो जाता है। तो जैसे गाड़ी के अंदर भी गियर होते हैं, स्पीडोमीटर होता है, एक्सीलरेटर होता है, उसी तरह के इन द सेम वे ऑप्शंस के अंदर भी वेरियस ग्रिक्स होते हैं, राइट। तो डेल्टा होता है वो डायरेक्शन बताता है, थीटा है वो टाइम वैल्यू बताता है, और द सेम वे तो अगर किसी को गाड़ी चलानी हो और अगर आपको गियर का नॉलेज है, लाइक फर्स्ट गियर में गाड़ी चलानी है, सेकंड गियर में गाड़ी चलानी है, और स्पीड यानी एक्सीलरेटर का भी नॉलेज है, राइट, और कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो भी अगर आपको पता है तो आप अपने हिसाब से वो गाड़ी को कंफर्टेबली चला सकते हो। इन द सेम वे अगर आपके आपको ग्रिक्स का नॉलेज है, राइट, तो क्या कर सकते हो, आप ऑप्शंस में कंफर्टेबली ट्रेड कर सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि किसी को ग्रिक्स का नॉलेज होता नहीं है एंड दे आर लुकिंग आफ्टर द एडजस्टमेंट, राइट, बट फॉर द एडजस्टमेंट यू रिक्वायर द नॉलेज ऑफ द ग्रिक्स, ओके। तो वंस आपको ग्रिक्स का नॉलेज आ जाएगा ना, आपका एडजस्टमेंट का जो प्रॉब्लम है ना वो क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सीखना चाहिए कि यार ये थीटा क्या है, डेल्टा क्या है, गामा क्या है, वेगा क्या है, क्योंकि उससे तो ऑप्शंस का प्रीमियम बनता है, राइट। तो अगर ऑप्शन का प्रीमियम उससे बनता है और अगर आपको ये सब आता नहीं है, राइट, तो फिर आप एडजस्टमेंट भी कर नहीं पाओगे या आपको सब ये एक मैजिक लगेगा, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग डीपर इन थ्रू टू मोर ग्रीक्स। सो ये हुआ गामा। तो गामा क्या बताता है कि डेल्टा, कि नया डेल्टा कितना होगा। तो डेल्टा को कौन चेंज करता है, गामा, ओके। तो गामा वर्क्स लाइक एन एक्सीलरेटर, जैसे हमको नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, अगर कितना फास्ट जाना है तो हम एक्सीलरेटर दबाएंगे। तो गामा क्या होगा कि गामा इज अ काइंड ऑफ एक्सीलरेटर। तो अगर उसका आप एक्सीलरेटर में ज्यादा स्पीड करोगे
तो उतने ही नॉर्थ साइड में वो जल्दी जाएगी गाड़ी। तो सेम वे अगर गामा बढ़ता है ऑलराइट, तो वो डेल्टा में इतना चेंज करेगा, और वो भी एक मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन है, एंड दैट इज इन शोन हियर राइट। तो चेंज इन डेल्टा मतलब क्या हुआ, गामा जो वैल्यू में कोई भी एडवांस ऑप्शन चेन है या कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर या कोई भी जगह से हमें ये सब वैल्यू मिल जाती है। सो चेंज इन डेल्टा इज इक्वल टू गामा मल्टीप्लाई बाय एक्सपेक्टेड मूवमेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर व्यू। ओके, सो अगर आपका व्यू क्लियर नहीं है राइट, सो अंटिल एंड अनलेस योर व्यू इज नॉट क्लियर, यू कैन नॉट डू एनी काइंड ऑफ ट्रेडिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट व्हाट इज रिक्वायर योर पर्सनल व्यू राइट। तो आपका व्यू भी मैटर करता है। ओके, सो न्यू डेल्टा इज इक्वल टू करंट डेल्टा प्लस चेंज इन डेल्टा। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थीटा। सबको मालूम है कि थीटा वैल्यू डीके होती है राइट। सो लेट अस गो डीप कि थीटा क्या है, रादर देन जस्ट नोइंग अ सिंपल थिंग कि थीटा डीके होता है। तो थीटा मीन्स टाइम वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन। तो ऑप्शंस में भी टाइम होता है और उसकी वैल्यू होती है। जैसे हमने प्राइस और वैल्यू, प्राइस वर्सेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखा था, तो थीटा एक वैल्यू है उसके अंदर राइट। तो टाइम इज मनी एवरीबडी नो। लाइक अगर कि अब सोचो कि कोई एक बंदा 1 साल से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ओके, तो उसको वो कंफर्टेबल ही होगा कि चलो अभी एग्जाम का 1 साल बाकी है। लेकिन अगर 15 दिन पहले ही वो एग्जाम की प्रिपरेशन चालू करना करेगा तो वो पैनिक हो जाएगा। तो सेम वही होता है, लोग क्या करते कि मंथली एक्सपायरी में ट्रेडिंग नहीं करते और वीकली में करते। तो वीकली में क्या हुआ कि आपको पैनिक ज्यादा हो गए। क्यों? क्योंकि अगर कोई अंडरलाइंग या कोई भी आप जिसमें ट्रेड कर रहे हो वो या तो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ऊपर आया या नीचे आया, देन यू फील नॉट गुड एंड वहां से आपका लॉस स्टार्ट हो जाता है। सो इन शॉर्ट थीटा वो भी वही बताता है कि जैसे 30 डेज का थीटा वेरी हाई होता है, तो 20 डेज में थोड़ा हाई होता है, फिर 15 का मॉडरेट होता है, 10 का लो। इन शॉर्ट जैसे जैसे एक्सपायरी के हम नजदीक आते जाते वैसे वैसे थीटा की वैल्यू कम हो जाती है। इंच वो हम आगे भी एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। नाउ थीटा हैज एक्सट्रिंसिक वैल्यू। एक स्मॉल इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है राइट। वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे, लेकिन सब अभी सिर्फ इतना ही देखो कि ये जैसे ऑप्शन का प्राइस है तो उसमें दो काइंड की वैल्यू होती है। ओके, ये प्राइस है और ये प्राइस बनती है वैल्यू से। तो उसमें दो वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और एक्सट्रिंसिक वैल्यू मानी, एक्सट्रिंसिक वैल्यू मीन्स टाइम एंड वॉलेटालिटी। वॉलेटालिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके लिए हमें दूसरा एक सेशन चाहिएगा, लेकिन अभी हम टाइम मानी थीटा सीखेंगे। तो थीटा इज एक्सट्रिंसिक वैल्यू बट नो इंट्रिंसिक वैल्यू राइट। नाउ थीटा इंट्रिंसिक वैल्यू, तो कॉल ऑप्शंस इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। ओके, तो जैसे अभी निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 17,511 राइट, और स्ट्राइक चल रही है 17,500। ओके, तो उसकी इंट्रेस्टिंग वैल्यू निकल के आती है 11। मीन्स इन शॉर्ट लोग क्या कर रहे हैं कि उसको प्रीमियम पे करेंगे उसके लिए, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि जैसे हम आईटीएम की बात कर रहे हैं अभी, तो आईटीएम के अंदर इंट्रेस्टिंग वैल्यू होती है राइट। पुट ऑप्शंस की इंट्रेस्टिंग वैल्यू में क्या होता है कि स्ट्राइक माइनस स्पॉट। ओके, सो इंट्रेस्टिंग वैल्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू और जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू एंड कैन नेवर बी बिलो जीरो, मीन्स माइनस नहीं होती है इन शॉर्ट। ओके, अगर आप कुछ भी करोगे और माइनस आएगी तो भी उसको जीरो ही समझ लेना। सो एग्जाम्पल टू बी कैलकुलेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू, तो निफ्टी का स्पॉट जैसे चल रहा है 8,423। ओके, तो ये कॉल साइड है और ये पुट साइड है और ये है स्ट्राइक्स, वेरियस स्ट्राइक्स। ओके, तो 8,400 में कॉल का इंट्रेस्टिंग वैल्यू कितना हुआ, तो ये है स्ट्राइक। ओके, सो दिस इज स्ट्राइक और ये है स्पॉट। दिस इज स्पॉट, तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक किया तो 23 रुपये निकल के आए। ओके, अगर हम यहां पे देखेंगे तो स्पॉट
माइनस स्ट्राइक। सो ये क्या हुआ कि ये ग्रेटर देन है, तो यहां पे माइनस नेगेटिव आएगी, सो इसको जीरो ही समझ लो। ओके, तो सेम वे पी में उल्टा है, यहां से ही बात सब्ट्रैक्ट करना है इसको। ओके, सो दिस इज नेगेटिव वैल्यू, सो इट मींस जीरो वैल्यू। ओके, द सेम वे हियर 8423 माइनस स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू 73। इन शॉर्ट लोग 23 रुपया और 73 रुपीज प्रीमियम दे रहे हैं इस ऑप्शन के, क्योंकि उनको इतना इतना कॉन्फिडेंस, जैसे हमने देखा था कि जितना ज्यादा डेल्टा होगा उतना कॉन्फिडेंस लेवल भी ज्यादा होगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा प्रीमियम देंगे उसके अंदर। ओके, तो ओटीएम हैज जीरो इंटरेस्टिंग वैल्यू फॉर कॉल एंड पुट, तो उसी हम देखें कि ओटीएम के अंदर कोई भी इंटरेस्टिंग वैल्यू नहीं है, मींस प्रीमियम नहीं है। इंटरेस्टिंग वैल्यू मींस इज अ काइंड ऑफ प्रीमियम विच यू आर कंफर्टेबली गोइंग टू स्पेंड। जैसे आपको 1 करोड़ का मकान चाहिए और आप उसके लिए 1 लाख रुपया प्रीमियम दे रहे हो, तो ये वो है। कोई 2 लाख दे रहा है तो ये वो है, कोई 3 लाख दे रहा है तो ये ऊपर आएगा। उसी तरह से ये इज अ काइंड ऑफ वैल्यू, बट ओटीएम है। ओके, तो कोई ऐसा नहीं करेगा कि 1 करोड़ का मकान है, ओके, और हमें ऐसा लगे कि चलो मैं 80 लाख के लिए प्रीमियम दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे ये 1 करोड़ का मकान है, तो कोई ये 8400 की आइटम का ये यहां पे 8400 में कोई नहीं देगा प्रीमियम। ओके, इन शॉर्ट नो बडी इज विलिंग टू पे एक्स्ट्रा प्रीमियम फॉर ओटीएम कॉल एंड पुट, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ एक्सपायरी ये सब जीरो होने वाला है, सबको मालूम है। ओके, सो ओटीएम ऑप्शंस अगर जीरो ही होने वाले तो उसके लिए कोई भी प्रीमियम देने के लिए राजी नहीं है, तो उसके अंदर कोई वैल्यू छुपी ही नहीं है। इस जस्ट अ मिक्सर ऑफ प्रॉपर अदर ग्रीक्स, ऑलराइट, थीटा। तो हमने आज के देखा कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू क्या है, कि एक्सट्रिंसिक वैल्यू इज एवरीथिंग दैट इज नॉट इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, लाइक ओटीएम, ओके, ओटीएम है जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू, ओके, तो वो उसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू हमने देखा कि टोटल ऑप्शन प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, राइट। सो इसको बोलते हैं टाइम वैल्यू और डे टू एक्सपायरेशन। तो जैसे जैसे हम एक्सपायरी के नजदीक आएंगे उसको बोलते हैं डे टू एक्सपायरेशन, डीटीई। द मोर टाइम एन ऑप्शन हैज अंटिल एक्सपायरेशन, द मोर टाइम द अंडरलाइंग प्राइस हैज टू चेंज। ओके, तो जितना भी ज्यादा टाइम होगा ऑप्शन को एक्सपायरी का, उसको उतना ज्यादा चेंज होना पड़ेगा। दस द मोर टाइम द ऑप्शन हैज अंटिल एक्सपायरेशन, द मोर वैल्यूएबल द ऑप्शन बिकम्स। तो उसी तरह से 1 महीने की एक्सपायरी का ऑप्शन में थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है, तो उसको जैसे देखो कि 1 हफ्ते का कोई आप थीटा का ट्रेड कर रहे हो, तो 1 हफ्ते में थीटा फॉर एग्जाम्पल 0.5 आपको 6 ही दिन के लिए मिलेगा, या वर्किंग डेज 5। ओके, बट अगर वहीं पे आप अगर 1 महीने की एक्सपायरी में वर्क करके, तो हर रोज आपको 5 5 5 मीन्स 0.5 थीटा मिलेगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आपको 1 हफ्ते में खाना है विथ हायर रिस्क, या 1 महीने में कंफर्टेबली थोड़ा थोड़ा खाना है, वो आपको पर्सनली अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आपको उसी तरह से ट्रेड लेना है, राइट। तो कुछ लोग तो 1 दिन में भी सोच रहे हैं कि हम थीटा को सेल कर रहे हैं, हम देखेंगे कि 1 दिन में कितना थीटा होता है एंड हाउ मच यू आर स्पेंडिंग टू गेट दैट मच ऑफ पर्टिकुलर प्रॉफिट। ओके, नाउ वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी इज नथिंग बट जस्ट अ सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है। ओके, तो वो मैथमेटिकली इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बट दैट इज अ वेरी टीडियस प्रोसेस, तो उसके लिए हम एक दूसरा स्पेशल सेशन लेंगे। तो अभी इतना ही देखो कि भी आईवी बोलो या वॉलेटिलिटी बोलो, ओके, दोनों सेम है। तो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी इफेक्ट्स मेजर हाउ मच स्टॉक्स प्राइस मे स्विंग ओवर अ स्पेसिफिक टाइम। तो सब लोग वॉलेटिलिटी वॉलेटिलिटी तो बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम, आई थिंक मेजोरिटी ऑफ पीपल डजंट नो लाइक मैथमेटिकल डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन, लेकिन वॉलेटिलिटी ओरिजिनल है क्या। जैसे एक स्प्रिंग है वो पर्टिकुलर रेंज में ही कूद सकती है, तो जैसे कोई स्टॉक है 17,500 का, राइट, तो वो अपने 1 साल का इन्होंने हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो 17,500 की ऊपर की रेंज और नीचे की रेंज निकल के आएगी। ओके, सो इट इज
वो रेंज के अंदर ही घूमेगा, वो मैथमेटिकल फिक्स हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं वॉलेटालिटी। ओके, तो वॉलेटालिटी कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिकली, और अगर ऑप्शन को सेल करना है तो वो रेंज के अंदर इन अ पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस आप सेल कर सकते हो। जैसे मैं कभी कभार मॉर्निंग में डालता हूँ कि आज इसका वॉलेटालिटी या स्टैंडर्ड डिविएशन इतना है इन पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, तो उसके ऑप्शन ऊपर क्या कॉल और नीचे का पुट, उस रेंज के अंदर आप कंफर्टेबली सेल कर सकते हो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, या मंथली या ईयरली, सभी में रखता हूं अंदर। ओके, तो इफ वॉलेटिलिटी इन अंडरलाइंग डिक्रीजेस, द एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ऑप्शन विल ऑल्सो डिक्रीजेस। ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर वॉलेटिलिटी गिरेगी तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू भी गिरेगी। ओके, एज टाइम एक्सपायर्स एंड ऑप्शंस एक्सट्रिंसिक वैल्यू विल मूव टू जीरो, ये किताबी बात है। हमारी बात क्या है कि एट द एंड ऑफ एक्सपायरी थीटा जीरो तक जाएगा एंड लीविंग ओनली इंट्रिंसिक वैल्यू। ओके, इन शॉर्ट ओटीएम ऑप्शंस आर ऑल एक्सट्रिंसिक वैल्यू, या वो ओटीएम ऑप्शंस का प्राइस अंदर थीटा का जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन छः। ओके, तो ये जो आप देख रहे हो उसको बोलते हैं ओटीएम ऑप्शंस, और ये भी ओटीएम है पुट साइड का, ये कॉल साइड, ये पुट साइड का आईटीएम, कॉल साइड का आईटीएम। तो एट द एंड ऑफ एक्सपायरी सबको मालूम कि ये जीरो हो जाता है, लेकिन क्यों जीरो हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं बचती है, राइट? तो इन शॉर्ट, अगर उसके पास कोई वैल्यू नहीं है तो इसमें ट्रेड करने का कोई मतलब है नहीं है। तो ये सेलर ये सब करते हैं, राइट? तो जैसे मैंने आपका बोला कि वॉलेटालिटी हमें मालूम हुआ कि वॉलेटालिटी का रेंज हमें मिला कि 7100 एंड 18,000। ओके, तो इफ यू सेल दिस ओटीएम एंड दिस ओटीएम, योर विनिंग एंड कॉन्फिडेंस लेवल, आप जैसे 68.5% कॉन्फिडेंस के अंदर काम कर रहे हो तो आपका विनिंग रेशियो 68.5% होगा। अगर आप 99% एक्यूरेसी से देखना चाहोगे पास्ट 1 ईयर के डेटा हिसाब से, ये थोड़ी ऊपर रेंज आएगी। ओके, तो आप वो ऑप्शन सेल कंफर्टेबली कर सकते। नाउ थीटा, थीटा और टाइम डिके इज नॉट लीनियर। ऐसा नहीं है कि थीटा हर रोज सेम रेट से गिरता है, मीन्स हर रोज 2-2 रुपया गिरता है, ऐसा नहीं है। द थियोरिटिकल रेट ऑफ डीके विल टेंड टू इंक्रीज एज टाइम टू एक्सपायरेशन डिक्रीज। जैसे जैसे वो एक्सपायरी के नजदीक आ जाता है वैसे वैसे उसका जो स्लाइडिंग है वो थोड़ा डीप होता जा रहा जो होता है। फॉर एग्जाम्पल, आज 2 रुपया गिरा तो कल 2 रुपया 10 पैसा गिरेगा, फिर 2 रुपया 20 पैसा गिरेगा, लेकिन जब एक्सपायरी के नजदीक आता जाएगा ना थोड़े, तब क्या होगा? डायरेक्ट 5 रुपया 6 रुपया 8 रुपया उस तरह से गिरेगा, राइट? और बाद में अगर ओटीएम हुआ तो वो जीरो हो जाएगा। सो अपॉन एक्सपायरी एन ऑप्शन हैज नो टाइम वैल्यू, क्योंकि उसके अंदर अभी टाइम वैल्यू नहीं बची है ऑप्शन के साथ। ओके, एंड ट्रेड्स ओनली फॉर इंक्रीजिंग वैल्यू अगर उसके पास होगी तो। अगर वैसे ओटीएम में आईटीएम के अंदर होती है तो वो करेगा काम। ओके, तो ये ग्राफ है, जैसे ये टाइम रिमेनिंग अंटिल एक्सपायरेशन डेट और ऑप्शंस का वैल्यू। जैसे देखो ये इतना गिरा, ओके, 60 डेज में इतना गिरा, लेकिन 30 डेज में ये इतना गिरेगा, राइट? तो आपको धीमे धीमे पैसा खाना है कि एक बार में, यहाँ पे रिस्क ज्यादा होगा। ओके, तो अगर हम निफ्टी की बात करें या 60 की जगह पे हम 7 डेज करें तो 7 डेज में इतना गिरने वाला है डेटा। ओके, लेकिन उसके सामने दूसरे भी रिस्क बहुत ज्यादा आ सकते हैं, क्योंकि अगर किसी को स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम नहीं है और उस रेंज के आजू बाजू में भी वो नहीं चल रहा है या वहां से बाहर निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि थीटा कील कर देगा सबको ना। थीटा वर्जिस वॉलेटालिटी, राइट? क्या है कि इंक्रीजिंग द वॉलेटालिटी इंक्रीजिंग द थीटा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि थीटा की वैल्यू फिक्स होती है, जैसे वॉलेटालिटी बढ़ती है तो थीटा की वैल्यू भी उसके साथ साथ बढ़ जाती है, और डिक्रीजिंग इन वॉलेटालिटी डिक्रीजिंग द थीटा। मैं यहाँ वॉलेटालिटी की बात कर रहा हूँ, वेगा की बात नहीं कर रहा हूँ। वेगा इज अ डेरिवेटिव ऑफ वॉलेटालिटी, वेगा वॉलेटालिटी से बनता है और वेगा वॉलेटालिटी नहीं है। तो नेवर कन्फ्यूज योर सेल्फ विथ वेगा एंड वॉलेटालिटी या आईवी। ओके, तो इंक्रीजिंग द वॉलेटिलिटी इंक्रीजिंग द थीटा
एंड डिक्रीजिंग द वॉलेटिलिटी डिक्रीजिंग द थीटा। आप यहाँ पे देख सकते हो ये कॉल का 20% वॉलेटिलिटी, ये लाइन, ओके, और कॉल का 40% वॉलेटिलिटी, राइट। तो ये सिंपल है, जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ती है वैसे थीटा भी बढ़ता है, वॉलेटिलिटी घटती है तो थीटा भी गिरता है। ये मैथमेटिकल सी फॉर्मूला है कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या है, सिर्फ देखने के लिए। तो ऑप्शन सेलर्स आर ऑलवेज कंपेंसेट फॉर द टाइम रिस्क, राइट। तो प्रीमियम हमें मालूम होगा कि प्रीमियम दो, जैसे हमने अगली स्लाइड में देखा कि इज कंपोज्ड ऑफ टू वैल्यू, वन इज इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड इज द टाइम वैल्यू, राइट। ऑल एल्स इक्वल ऑप्शंस लूज मनी ऑन अ डेली बेसिस ओइंग टू थीटा। अगर हम सिर्फ और सिर्फ थीटा को ही देखें, दूसरे वेरिएबल को भी साइड में रखें, राइट, तो ऐसा नहीं है कि थीटा डीके होने से हमें हर बार पैसा मिलेगा। दूसरे भी ग्रीक्स है, डेल्टा है, राइट, वेगा है सबका बाप, ओके, तो गामा है सबकी माँ, राइट, तो वो सब देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि थीटा 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 और हम जीत गए, ओके। तो देखो पहले स्टैंडर्ड डिविएशन सीखना, उसके बाद ओटीएम का ऑप्शन सेल करना, वरना आपका, अगर आपको आपका विनिंग रेट नहीं मालूम है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं मालूम है, और अगर आप सेल कर रहे हो तो योर चांस ऑफ लूजिंग मनी इज मच मच हायर, ओके। टाइम टाइम मूव्स इन अ सिंगल डायरेक्शन, हेंस थीटा इज पॉजिटिव नंबर, राइट। तो थीटा हमेशा, क्योंकि टाइम एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो थीटा इज अ फ्रेंडली ग्रीक टू ऑप्शन सेलर, सबको मालूम है। व्हेन यू शोड नेकेड ऑप्शंस एट द स्टार्ट ऑफ द सीरीज यू कैन पॉकेट लार्ज टाइम वैल्यू। जैसे मैंने बोला कि अगर आपके पास एक महीना है तो उसके उसमें आपको थीटा ज्यादा मिलेगा खाने को। अगर आपके पास एक वीक का ऑप्शन सेल कर रहे हो तो उसमें आपको थोड़ा कम खाना मिलेगा उससे, और अगर आप इंट्राडे करते हो तो आप क्या क्या कितना थीटा लोगे उसके अंदर से, वो भी हम आप आगे देखेंगे। तो व्हाट इज सेफर और व्हाट इज सेफ वे टू गेट द थीटा वैल्यू, वो आपको टाइम वैल्यू बताता है। कि जैसे आप एक महीने का ऑप्शन सेल करोगे कोई भी ओटीएम का, तो उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, राइट, टू एडजस्ट। अगर आप ब्लैक स्वान भी अंदर आ गया ना तो भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, और अगर आपने हेज करके बेचा है तो आपको कोई नुकसान भी नुकसान नहीं आ सकता उसके अंदर, ओके। तो देर आर वेरियस टैक्टिक टू सेल द ऑप्शन। वेन यू शॉर्ट ऑप्शन क्लोज टू एक्सपायरी द प्रीमियम इज लो, सबको मालूम है जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो प्रीमियम लो होता जाता है, बट द फॉल इन प्रीमियम इज रैपिड। जैसे हमने आगे ग्राफ देखा तो क्या होता है कि प्रीमियम रैपिडली फॉल हो जाता है। थीटा विल डिक्रीज शार्पली एज टाइम डीके एक्सीलरेट्स इन द लास्ट फ्यू वीक्स बिफोर एक्सपायरेशन एंड कैन सीवियरली अंडरमाइन अ लॉन्ग ऑप्शन होल्डर्स पोजीशन। तो ये क्या करता है, थीटा विल इंक्रीज शार्पली, हमें एज टाइम डीके, जैसे टाइम नजदीक आता है एक्सपायरी के, तो वो एक्सीलरेट मानी थोड़ा उसका एक्सीलरेटर गिरने का ज्यादा हो जाता है, ओके, तो वो थोड़ा ज्यादा गिरता है। जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती जाती है तो थीटा की वैल्यू सीवियरली कम होती जाती है, और जो भी जिसने भी लॉन्ग किया एक इन पर्टिकुलर कॉल और पुट, वो लोग उसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं, स्पेशली इफ आईवी डिक्लाइन एट द सेम टाइम। क्योंकि आईवी अगर डिक्लाइन होगी तो क्या होगा, प्रीमियम भी डिक्लाइन होगा, ओके। तो जैसे वॉलेटिलिटी हमने आगे देखा था कि वॉलेटिलिटी गिरेगी तो ऑप्शंस के वैल्यू, इन शॉर्ट क्या होगा, कॉल और पुट दोनों के ऑप्शंस के वैल्यू कम होगी, और अगर वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी तो कॉल और पुट दोनों के ऑप्शंस के प्रीमियम ज्यादा होगी। तो एक्सपायरी डे में हम देखते हैं कि आईवी में क्या होता है, क्रैश होता है, और आईवी भी कैसे होती है वो भी हम आपको बताएंगे कि आईवी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट जस्ट अभी देखो कि आप ऐसा समझो कि आपके पास आईवी का डेटा है आपके पास अभी, ओके। तो अगर आपके पास आईवी का डेटा है या अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर या कहीं से आप आईवी चेक करते हो तो आपको मालूम, जैसे आपको लगा कि भाई आईवी इतनी बढ़ी तो ऑप्शंस के प्रीमियम भी बढ़ेंगे, ओके। और अगर आईवी गिरती है तो कॉल और पुट दोनों के गिरेगी, ऐसा नहीं है कॉल या पुट दोनों में से किसी एक का गिरेगा प्रीमियम ना। थीटा, इफ वी हैव पॉजिटिव थीटा वी आर ऑन द वन साइड अथवा तो राइट साइड ऑन द
ऑफ द कॉइन. अगर टू ऑप्टेन पॉजिटिव थीटा वी कैन सेल ऑप्शन. जैसे अगर हमने ऑप्शन सेल है तो हम क्या बोले, आई एम नेगेटिव थीटा, ऐसा बोल दे कि मैंने थीटा सेल किया है. ओके, तो आई एम पॉजिटिव थीटा, राइट. इफ योर पोजिशन थीटा इज पॉजिटिव यू विल बेनिफिट एज द अंडरलाइन प्राइस रिमेन्स द कॉन्स्टेंट एंड लूज. जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि थीटा की वैल्यू कब मिलती है, अगर वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही रहे आ स्टॉक, तभी आपको थीटा की वैल्यू मिल सकती है. जैसे आपने 17,500 का स्ट्रेडल सेल किया है फॉर एन एग्जाम्पल 28th को, तो आज चेक करना, तो हम जब पहले 28th को थे ना लास्ट लास्ट ग्रांड एक्सपायरी, आज हम वहीं पे आके रुके हैं. तो उसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्राइक प्राइस सेम रही लेकिन थीटा की जो भी वैल्यू है वो हमने कैचअप कर लिया. तो मेरा भी शॉर्ट ट्रेडल का वही ट्रेड था और मेरा प्रिडिक्शन भी था, तो मैंने मंथली एक्सपायरी में वो शॉर्ट ट्रेडल किया था. ओके, सो आई एम बेनिफिटिंग फ्रॉम दैट थीटा. आई एम, क्योंकि हर रोज थोड़ा थोड़ा करना है. ओके, रादर देन गेटिंग टू मच रिस्क एंड ट्रेडिंग इन टू और थ्री डेज थीटा वैल्यू, आई थॉट इट विट आई थिंक इट इज बेटर आइडिया टू गेट लिटल बिट एवरी डे. तो हम डाइजेस्ट भी कर पाएंगे और एडजस्ट करने के टाइम आया तो इजीली कर देंगे उसको. ओके, सो ये है ऑप्शन सेलर के लिए. तो ऑप्शन सेलर हैज पॉजिटिव थीटा और ऑप्शन बायर है नेगेटिव थीटा, क्योंकि हम टाइम के साथ फाइट कर रहे हैं. इसीलिए ऑप्शंस को बाय करो लेकिन कितने, इंट्राडे या 2-3 दिनों के लिए. ओके, और अगर बहुत ऊपर चला गया, आईटीएम में चला गया, तो यू शुड नॉट वरी टू मच. ओके, नाउ तो इफ वी हैव नेगेटिव थीटा वी आर ऑन द अनदर साइड ऑफ द कॉइन. टू ऑब्टेन नेगेटिव थीटा वी वुड हैव टू बाय द ऑप्शंस. तो ऑप्शन बायर है नेगेटिव थीटा और ऑप्शन सेलर है पॉजिटिव थीटा. ओके, क्योंकि उसको बेनिफिट मिलेगा तो उसके लिए ये पॉजिटिव हुआ. और इसमें क्या होगा कि थीटा वैल्यू उसके ऑप्शंस को वैल्यू को गिरा रही है एवरी डे इन सर्टेन पॉइंट, तो वो उसको नेगेटिव थीटा. जैसे हमने बोला था कि थीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा, वो बोला था. तो अगर थीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा हुआ और वो वहां पे फंस गया ऑप्शन बाय, किसी को ग्रीक्स आते नहीं और ओटीएम ऑप्शन बाय कर दिया, तो अंडरलाइन बढ़ती है फिर भी उसके ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ पाते. ओके, तो आई प्रीफर टू, यू नो, मैंने बोला कि प्रीफर टू ट्रेड अगर बाइंग साइड में हो और अगर आपका व्यू सही है तो बेटर टू बाय आईटीएम और एटीएम. ओके, नाउ द एक्सट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अवर ऑप्शन विल डेसिपेट ओवर टाइम, विच मीन्स वी हैव टू बी डायरेक्शनली राइट क्विकली इन ऑर्डर टू सी अ प्रॉफिट. कोई भी ऑप्शन के अंदर अगर आप डायरेक्शनली राइट हो तो यू कैन क्विकली सी इन द प्रॉफिट. इट मीन्स अगर आपने ऑप्शन बाय किया है और अगर आपको उस पर्टिकुलर अंडरलाइंग का टारगेट फिक्स है और स्टॉप लॉस फिक्स है, जैसे 17,500 पे निफ्टी है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो ऑप्शंस को, तो इंट्राडे में कोई थीटा एट अ टाइम डीके नहीं होगा, राइट. और अगर आप ऑप्शन में, सो उस टाइम क्या होगा कि थीटा को आप कंसीडर नहीं करोगे, क्योंकि आपको क्या ऑप्शन बाय करना है, आज ही करना है, आप आज ही सेल कर देना है, या 1-2 घंटे में या विद इन 30 मिनट्स या अपना टारगेट हिट हो जाए तब. तो तब क्या करते हो आप लोग, कुछ हम जनरली क्या करना चाहिए, आईटीएम ऑप्शन बाय करना चाहिए. अगर आपको लगता है कि 17,500 से कल का टारगेट 17,600 100 पॉइंट्स का मूवमेंट का टारगेट है, ओके, राइट, तो क्या करोगे आप, एटीएम या आईटीएम ऑप्शन बाय कर दोगे. तो उस समय अगर आप डायरेक्शनली राइट होके, ओके, तो वहां पे आईवी भी बढ़ेगी. अगर आईवी भी बढ़ेगी, ओके, और गामा भी बढ़ेगा और थीटा भी और डेल्टा भी बढ़ जाएगा, राइट. तो जैसे आपने 0.5 डेल्टा लिया है ना, वो हो जाएगा 0.6 और समथिंग लाइक दैट. उसकी कैलकुलेशन हमने आगे देख लिया. तो प्रीमियम में क्या होगा, आपको बेनिफिट होगा. और आप क्या कर सकते हो उस टाइम, जैसे दो ऑप्शन लिए 0.5 डेल्टा के दो ऑप्शंस, मतलब आप एक फ्यूचर में लॉन्ग हो गए, तो आपको प्रीमियम भी कम लगेगा, आपने फ्यूचर भी बाय कर लिया और आपको बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज रिटर्न बहुत ज़्यादा मिलेगा. ओके, तो अगर किसी को परफेक्ट ट्रेडिंग आता है तो वो क्या करता है, इंट्राडे ऑप्शंस बाय करता है रादर देन सेल. ओके, और अगर किसी को डाउट है कि भाई ना चलो मुझे रिस्क नहीं लेना है और मुझे पर्टिकुलर कॉन्फिडेंस लेवल के अंदर ही ट्रेड करना है, तो वो क्या करता है, ऊपर और नीचे के ऑप्शन सेल करता है. लेकिन यू मस्ट रिमेम्बर
सेलिंग के अंदर रिस्क अनलिमिटेड है और बाइंग के अंदर आपका रिस्क फिक्स हो जाता है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको फिक्स है भी 20-30% इतना परसेंट गिरेगा तो वी शुड गेट आउट फ्रॉम द गेम। अगर आपका स्टॉप लॉस गिर गया, हिट हो गया, तो यू कैन इजीली बेयर दैट काइंड ऑफ लॉस। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में इज अ डिफरेंट स्टोरी, स्पेशली इन बैंक बैंक निफ्टी ऐसा होता है, जैसे मूवमेंट कभी कभार आता है तो बहुत स्विफ्ट आता है। थीटा, द इफेक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑन थीटा, तो वॉलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑप्शन प्राइस। तो इफेक्ट ऑफ वॉलेटिलिटी ऑन थीटा हमने आगे पढ़ लिया, तो हायर द वॉलेटिलिटी हायर द ऑप्शन वैल्यू, हायर द वॉलेटिलिटी हायर द थीटा, तो ऑप्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी और थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। ओके, तो उस टाइम थीटा डी के नहीं होगा, वॉलेटिलिटी हाई होगी, तो बस उसमें थीटा बढ़ेगा तो मीन्स कंपेरेटिवली लो गिरेगा जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी तब। तो इसके इन शॉर्ट क्या होगा, फिर ऑप्शन का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो व्हेन ऑप्शन कम्स नियर एक्सपायर द रेट ऑफ ऑप्शन टाइम डीके डिक्रीज। एटीएम डीके नॉन लीनियर है, मतलब कि उसमें डीके नहीं होता है बहुत, राइट। तो आईटीएम एंड ओटीएम डीके आर थोड़े स्टीडियर रेट से होते हैं, जैसे ये देखो। ओके, तो ये ओटीएम है और ये एटीएम है, इस तरह से होता है फिक्स एंटिल एक्सपायरेशन कॉल की थियोरेटिकल वैल्यू। जैसे थीटा नजदीक आता है, ओके, 10 दिन बाकी है, 9 दिन, 8 दिन, ये 0.0, ये ऐसे हो जाता है। जैसे हम देखें कि ये अभी का रिसेंट है, ये स्ट्राइक प्राइस है सब निफ्टी का, आज रिसेंट डेट आया, उसमें अलग अलग डिफरेंट एक्सपायरी थे, लाइक 16 दिसंबर वीकली है, फिर नेक्स्ट वीक 23rd और मंथ एंड। ओके, इसी तरह के पुट के थीटा है इसके अंदर, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर, 30 दिसंबर, और ये सभी थीटा है। ओके, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, मानी 15 रुपीज का हुआ। ओके, तो यहाँ पे 15 रुपीज, यहाँ पे 8 रुपया और यहाँ पे 6 रुपये गाड़ी के। ओके, बट इसमें क्या होगा, क्योंकि एक्सपायरी नजदीक है तो इसके अंदर थीटा की वैल्यू ज्यादा है। ओके, तो आपको 15 रुपीज 5 दिन का आपको मिलेगा, और यहां पे का 8 रुपया आपको 2 वीक तक मिलेगा, तो कंपेरेटिवली ये ज्यादा रिटर्न देगा और रिस्क इसमें कम होगा। ओके, तो यहां पे जैसे आपने आपको बताओ कि 16 दिसंबर, 23 दिसंबर और 30 दिसंबर, तो यहां पे आपको थीटा देखो 8 रुपया, 6 रुपया और 5 रुपया। ओके, तो अगर आप 30 दिसंबर का सेल करोगे तो आपको 5 रुपया हर रोज खाने मिलेगा एवरीडे, तो 5 रुपया कम होगा प्रीमियम। यहाँ पे 8 रुपया आपको मिलेगा, लेकिन कैसे कि थोड़े ही दिन के लिए, 3 या 4 दिन के लिए। और अगर आप इंट्राडे हो और अगर आपने स्ट्रैडल सेल किया है फॉर एन एग्जांपल जस्ट फॉर द थीटा ऑन द बेसिस ऑफ थीटा, ओके, तो आपको 14 और 15 में से कहीं ये जीरो नहीं हो जाएगा आज के दिन, थोड़ा उसका 2 या 3 रुपया या 5 रुपया जो भी है ना वही गिरेगा, क्योंकि ये भी ऊपर जा सकता है नीचे आ सकता है। अगर वहां पे यहाँ पे आ गया ना तो ही आपको परसेंटेज टर्म के अंदर अराउंड 8 या 10 रुपया, मैक्सिमम अराउंड 25-30 निफ्टी में मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। तो उससे बेटर कि अगर आपको ट्रेडिंग आता है तो 20 पॉइंट्स आप इजीली कैप्चर कर सकते हो, ओके, रादर देन सेलिंग एंड गिविंग द मोर प्रीमियम। ओके, बट इट्स डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस कि आपको क्या करना है। अगर आपको सेफ्टी ट्रेडिंग करना है तो आप सेल करो, आपको स्टैंडर्ड डिविएशन मालूम है फॉर एन एग्जांपल यहाँ आपके, तो यहाँ पे सेल करो, यहाँ पे सेल करो और बैठे रहो। ऑप्शन चेन में थीटा कैसे दिखता है, ठीक, जैसे मैंने बताया कि वो तो क्या, ये क्या था कि हमने सिर्फ थीटा का डिफरेंट एक्सपायरी अंडरस्टैंड करने के लिए था, बट रियलिटी में क्या होता है कि जैसे ये 16 दिसंबर है एक्सपायरी, उसका थीटा ये रहा, ये सब थीटा है, राइट। तो ओटीएम में ये सब ओटीएम है और आईटीएम, राइट। तो आईटीएम के अंदर थीटा वैल्यू थोड़ा ज्यादा है। नाउ थीटा के अंदर कोई क्वेरी है किसी को, एंड वी विल स्टार्ट द वेगा। या श्योर, ये वाली
हाँ ये वेन ऑप्शन कम्स नियर टू एक्सपायरी द रेट ऑफ या इज इंक्रीजेस, सॉरी हाँ या श्योर श्योर डेफिनेटली या थैंक परफेक्टली राइट, ये मेरी पर्सनल भूल है राइट थैंक्स, मैं चेंज कर दूंगा राइट। दूसरा कुछ क्वेरी? नहीं नहीं सही है बात। नाउ वी आर गोइंग टू द वेगा, तो वेगा बनता है आईवी से, तो व्हाई टू डिफरेंट स्टॉक ट्रेडिंग विद द सेम प्राइस हैव डिफरेंट कॉल और पुट वैल्यू? किसी ने सोचा है कि कॉल और टू डिफरेंट स्टॉक है जैसे रिलायंस निफ्टी और बैंक निफ्टी विद द सेम प्राइस हैव डिफरेंट कॉल एंड, सो अगर प्राइस भी सेम होगा तो उसकी कॉल और पुट की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, क्यों? एज वी नो देर आर सिक्स इनपुट टू कैलकुलेट ऑप्शन ऑप्शंस वैल्यू, सपोज फाइव इनपुट्स आर सेम, ओके जैसे हमने थीटा गामा डेल्टा वेगा और स्पॉट प्राइस वो सब देखा था, तो ये सब वेरिएबल्स है ना। ओके एज वी नो देर आर सिक्स इनपुट टू कैलकुलेट द ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन कैलकुलेटर के अंदर भी आप देखोगे तो भी आपको इनपुट देना पड़ेगा वेरियस ग्रीक्स का, तो ये हम ग्रीक्स की बात कर रहे हैं। ओके फॉर टू डिफरेंट ऑप्शंस बट दे आर ट्रेडिंग एट डिफरेंट प्राइस, द डिफरेंस मस्ट बी द सिक्स्थ वेरिएबल विच इज वॉलेटालिटी। ओके तो ये वॉलेटालिटी, तो वॉलेटालिटी का एक लेमेन टर्म में हम बोले तो उसका डेफिनेशन किसी को याद है? मैंने बोला था अभी पहले लेमेन टर्म पे, स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मैथमेटिकल, लेकिन लेमेन टर्म में क्या बोलेंगे वॉलेटालिटी को? एनीबॉडी? कैन आई रिपीट इट अगेन? व्हाट इज वॉलेटालिटी? ओके तो वॉलेटालिटी क्या है कि कोई स्टॉक कितना परसेंटेज ऊपर जा सकता है या कितना परसेंटेज नीचे गिर सकता है, जैसे कोई बोलता है कि इसकी वॉलेटालिटी यार 2% है फॉर एग्जाम्पल, ओके और उसका एक तो 2% ये स्टॉक ऊपर जाएगा या 2% पॉइंट ये स्टॉक नीचे जाएगा, तो उसकी एक रेंज मिलेगी राइट right? तो उसी रेंज के अंदर वो स्टॉक ऊपर नीचे करेगा, ओके उसके बाहर नहीं जाएगा राइट right? तो इन शॉर्ट कोई भी स्टॉक के कूदने की ताकत, वो कितना कूद सकता है और कितना गिर सकता है, जैसे हमारे हर हर पर्टिकुलर जैसे कोई एथलीट है तो वो हाई जंप कर सकता है, ओके क्योंकि उसकी वॉलेटालिटी ज्यादा है, और जो डाइव करता है वो और वही आदमी उतना नीचे भी गिर सकता है, इन शॉर्ट उसकी जो पर्टिकुलर रेंज है कूदने की स्टॉक की, जैसे 15,000 अभी निफ्टी चल रहा है तो वो 15,000 से 15,700 जाएगा और 15,500 से 15,700 जाएगा और 15,500 से 15 गिरेगा तो 15,300 तक की गिरेगा, ओके तो वो पर्टिकुलर मैथमेटिकल एक रेंज मिलेगी हमें जब हम वॉलेटालिटी पढ़ेंगे ना तब, ओके तो वो पर्टिकुलर रेंज है ना उसको हम वॉलेटालिटी कहते हैं। इन शॉर्ट आप पर्टिकुलर रेंज कि उसके अंदर ही वो स्टॉक ट्रेड करेगा राइट right? तो उसको बोलते हैं वॉलेटालिटी, उसको कूदने की ताकत, कोई भी स्टॉक की कूदने की और गिरने की ताकत उसको बोलते हैं वॉलेटालिटी इन लेमेन टर्म, और मैथमेटिकली इट इज स्टैंडर्ड डिविएशन विच इज इजी टू कैलकुलेट। एनी कंफ्यूजन इन दिस स्लाइड? ओके नाउ इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन, आईवी बोलो या वॉलेटालिटी बोलो, जब हम वॉलेटालिटी में देखेंगे हिस्टोरिकल वॉलेटालिटी और वो सब आएगा, लेकिन अभी इतना ही देखो क्योंकि वॉलेटालिटी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इट्स अ काइंड ऑफ माई पर्सनल रिसर्च सब्जेक्ट सब्जेक्ट समझ लो कि वॉलेटालिटी में मैंने पीएचडी किया हुआ है। ओके तो इफेक्ट ऑफ आईवी ऑन वेगा, तो अभी हम वेगा एक ग्रीक को समझ रहे हैं, तो आईवी से बनता है तो हमें अंदर वॉलेटालिटी तो बोलना ही पड़ेगा ना, और वॉलेटालिटी की डेटा भी अंदर हमें मिल जाते हैं कहीं भी जगह पे,
तो ये क्या होता है, स्ट्राइक है जैसे 22, 50, 25, 27, ओके। तो वेगा एट 15% आईवी, जैसे किसी की आईवी 15% है, राइट, और बढ़ के अभी उसकी आईवी हो गई है 25%, और बढ़ के हो गई है आईवी 40%, तो इसमें इतना चेंज आएगा वेगा के अंदर। अगर जीरो है तो इसका ये वैल्यू हो जाएगा, तो बढ़ेगी शॉर्ट, जैसे वेगा बढ़ता है आईवी बढ़ेगी 15 से 25, 25 से 40, तो ये क्या हुआ है, वेगा बढ़ता जा रहा है। इन शॉर्ट आईवी जितनी बढ़ेगी उसी हिसाब से वेगा भी बढ़ेगा, जैसे थीटा में भी हमने देखा उसी उसी के हिसाब से, ओके। तो ये कंपोनेंट अगर आपको बाय हार्ट, अगर एक बार, अभी शायद थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन जैसे जैसे आप रिफर करते जाओगे ना, तो आपको ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों में ये काम आएगा। और जैसे आपको कोई भी ऑप्शन को हेज करना है या कोई भी स्ट्रेटजी को हेज करना है, तो अगर आपको आपके पास ग्रीक्स का नॉलेज होगा ना, तो आप कुछ भी कर पाओगे उस समय, क्योंकि आपको मैथमेटिकली मालूम है कि क्या करना है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग और इक्विटी ट्रेडिंग वो दोनों डिफरेंट है, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर ये सब वैल्यू से ऑप्शंस बनता है। जैसे इक्विटी में तो क्या होता है, वो डेल्टा ही है, सिर्फ वन डेल्टा, उसके अंदर वेगा, गामा, थीटा, टाइम वैल्यू ऐसा कुछ है ही नहीं, राइट। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऑप्शंस के अंदर ये सभी कंपोनेंट है, और अगर ये सभी आपको कंपोनेंट का नॉलेज होगा ना, तो आप कुछ भी कर सकोगे फिर। बट सिर्फ एक बार इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये सब क्या है, वेगा क्या है, थीटा क्या है। जैसे जैसे टाइम आएगा ना, उसी तरह से आप कंफर्टेबल हो जाओगे। हर रोज देखो, पहले दिन मालूम नहीं हुआ, चलो देखो दूसरी बार, तीसरी बार, तो चौथी बार आपको मालूम हो गया, नहीं यार चलो ये डेल्टा ये था, ये आ गया। जैसे मेरे स्ट्रेटजी का डेल्टा 0.5 था, 0.8 हुआ, और मैंने 0.8 हुआ तो क्या हुआ कि 0.2 डेल्टा का नुकसान हो रहा है, तो चलो मैं 0.2 डेल्टा वहां पे बाय कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ, वाइस वर्सा कुछ भी। तो हेजिंग एकदम इजी हो जाएगा उस टाइम, बट आपको ये सब नॉलेज आना चाहिए, वरना क्या होगा, अगर आपके पास कोई ग्रीक्स का नॉलेज नहीं है, ओके, अगर आपको ये सब ग्रीक्स का नॉलेज ही नहीं है, कि जैसे अगर आपको, तो आप क्या करोगे, घूमते जाओगे यहाँ वहाँ कि हेजिंग कैसे करूँ, कौन सी स्ट्राइक पे करूँ, कब करूँ, कितने परसेंटेज पे करूँ। बट रियलिटी में क्या होता है कि जैसे आईवी बढ़ जाती है तो वेगा भी बढ़ जाता है, तो उस टाइम अगर किसी ने आपको अपने हिसाब से देख के उतना परसेंट पर्टिकुलर लेवल दिया होगा, तो क्या होगा फिर, अगर आईवी बढ़ गई तो वेगा बढ़ जाएगा, तो ऑप्शंस की वैल्यू भी ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। तब क्या होगा, आपको क्या लगेगा कि यार ये एडजस्टमेंट नहीं चल रहा है यहाँ पे। बट इन रियलिटी ये सभी फैक्टर्स साथ में चल के एक गाड़ी को चला रहे हैं, ओके। तो पहली गियर में भी गाड़ी चल सकती है, दूसरी में भी चल सकेगी, लेकिन थोड़ी फास्ट चलेगी, तीसरी में थोड़ी फास्ट चलेगी, राइट। और एक्सीलेटर भी है, और अगर आपके पास एक्सीलेटर का नॉलेज है, डायरेक्शन का नॉलेज है, और कितने टाइम में पहुंचने का है, गूगल मैप में बता देते हैं कि भाई यू विल रीच इन डेस्टिनेशन विद इन 30 मिनट्स, तो आपको क्या होता है उस टाइम, हाँ चलो 30 मिनट्स में मैं पहुंच जाऊंगा, अगर किसी का फोन आया तो। अगर हमारे पास गूगल मैप नहीं होगा तो क्या बोल गए, यार मालूम नहीं है 30-40 मिनट्स में आऊंगा, लेकिन गूगल मैप आपको क्या बताता है, एक एक्यूरेसी बताता है। उसी तरह से ये कैलकुलेशन आपको एक्यूरेसी बताएगी, टाइम मानी थीटा, थीटा का नॉलेज है तो यू विल बी डेफिनेटली कंफर्टेबल विथ कि वे कितना गिरने वाला है, मुझे मालूम है, ओके, आई डोंट केयर अबाउट एनी बडी ना। अगर डेल्टा आपको मालूम है कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप बुलिश हो, ओके, और आपने कोई भी ऑप्शन बाय किया है 0.5 का, और आप डायरेक्शनली राइट हो उस टाइम, राइट, और वो जा रहा है ऊपर, तो यू सिट क्वाइट, क्योंकि आपका फिर आईटीएम में आ जाएगा, 0.5 का डेल्टा चेंज हो के आपको मालूम होगा कि मेरा 0.5 का डेल्टा है, ओके, और अभी आ जाएगा 0.7 के अंदर, तो फिर मुझे ऑप्शंस की वैल्यू में अभी कोई प्रीमियम में गिरावट की कोई चांसेस लग नहीं रहा है, तो यू कैन कंफर्टेबली सिट, ओके। लेकिन वहां पे अगर आईवी या ऐसा कुछ गिरा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि यार आईवी इसकी इतनी थी, ओके, और आज अभी इतनी गिर गई है, तो उसी, अगर आईवी गिरी है ना, उसी के हिसाब से मेरा ऑप्शंस का वैल्यू गिर रहा है, ओके। तो अगर आपके पास आईवी का नॉलेज होगा, आपके पास आईवी का डेटा होगा, विच इज अभी सभी के पास अवेलेबल होता है, राइट, तो आपको मालूम हो जाएगी कि चलो यार भले ही मार्केट बढ़ रहा है, लेकिन ऑप्शंस की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ रही है, बिकॉज आईवी गिर रही है। काफी लोग हमें लाइव मार्केट में पूछते हैं कि साहब आज क्या हुआ, कि सर देखो मार्केट बढ़ रहा है लेकिन ऑप्शंस के प्रीमियम में कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है।
लेकिन भाई उस समय आईवी का इफेक्ट आता है। आईवी अगर स्टेबल है और दूसरे भी ग्रीक्स उसी तरह से चल रहे हैं, मीन्स वो ट्रैफिक में है, तो ट्रैफिक में गाड़ी धीमे धीमे ही चलेगी। ऑलराइट, अगर रास्ता क्लियर हो गया, ओके, जैसे कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस है वहां से फिर स्टॉक क्लियर हो गया और सिंगल सिंगल बुलिश कैंडल्स बना था गया, तो उस समय आप डायरेक्शनली राइट हो गए, आपका टारगेट हिट हो गया और आपको फिर कोई ऐसा भी नहीं लगेगा कि अभी क्या करना है क्या नहीं। और सेलर रहेगा ना, वो तब क्या करेगा, ऑप्शन सेलर एक किसी को एक ग्रीक्स का पूरा नॉलेज नहीं है तो वो फैसिनेट होगा कि यार अभी क्या करूं मैं, ये मेरा तो अभी लूज हो गया है ऑप्शंस का प्राइस, मेरी स्ट्रेटजी नहीं चली आज। ओके, सो बहुत सारे फैक्टर्स है। तो पहले ऑप्शंस का ट्रेडिंग और इक्विटी का ट्रेडिंग दोनों डिफरेंट है। ऑप्शंस के ट्रेडिंग में अगर आपको ग्रीक्स आते हैं, ओके, तो आपका ऑप्शंस का ट्रेडिंग इजी हो जाता है, ओके, और आपको किसी की डिपेंडेंसी नहीं रहेगी फिर बाद में। और डिपेंडेंसी रखोगे तो भी क्या होगा कि उसके हाथ में नहीं है कि आईवी क्रैश होने वाली है कि आईवी बढ़ जाने वाली है, किसी को मालूम नहीं है, फिर उसका एडजस्टमेंट भी गलत भी हो सकता है, वो उस टाइम सही था, फिर बाद में क्या होगा वो गलत भी हो सकता है, बिकॉज ये सभी वेरिएबल, ये सभी ग्रीक्स इकट्ठे होके ऑप्शन की प्राइस बना रहे हैं। ओके, सो दैट इज वाई ग्रीक्स नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सभी एक बार फ्लो में आ जाएगा तब आप भी कंफर्टेबली एडजस्टमेंट कर पाओगे कोई भी पोजीशंस को कभी भी। जैसे हमने बोला कि डेल्टा से आप अपनी स्टॉक प्राइस को हेज कर सकते हो, वो मैंने कैलकुलेशन भी भेजा था, तो डेल्टा आपको नॉलेज होगा तभी आप हेज कर पाओगे, तो उसको बोलते हैं डेल्टा हेजिंग। ओके, अगर आपको डेल्टा का ही नॉलेज नहीं है तो आप अपने अपने पोर्टफोलियो को कैसे हेज करवाओगे। तो दिस इज हाउ द ग्रीक वर्क्स, ओके, एंड दिस इज हाउ वी हैव टू ट्रेड द ऑप्शंस विद पर्टिकुलर प्राइस एंड विद पर्टिकुलर डायरेक्शन। सो डायरेक्शन मालूम होना चाहिए, टाइम मालूम होना चाहिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ वेगा, आई वी एट डिफरेंट डेट, ओके, तो ये हमने आई वी का एग्जाम्पल दिया है। जैसे अभी रिसेंट है, 16 नवंबर को 14 था, 17 नवंबर को ये हुआ तो ऑप्शन का, और ये देखो 18 नवंबर से 22 नंबर डायरेक्ट 18 आ गए, तो यहाँ पे ऑप्शन के प्राइस बढ़ गए इस दिन। ओके, कॉल पुट दोनों के, ये सिर्फ नॉलेज के लिए। बाद में देखेंगे ये सब क्या है। तो रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन आईवी एंड ऑप्शंस इन वैल्यू इज मेजर्ड बाय ऑप्शंस वेगा। वेगा इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑप्शन थियोरिटिकल वैल्यू रिलेटिव टू चेंज इन आई वी। जैसे आई वी हमने देखा कि आई वी चेंज होगी उसके हिसाब से वेगा, तो आई वेगा इज अ डेरिवेटिव ऑफ आई वी, आई वी का डेरिवेटिव वेगा है। ओके, तो वेगा और आई वी सेम नहीं है। तो आई वी के ऊपर से अगर आपके पास आई वी का वैल्यू है तो आप वेगा की वैल्यू कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके पास ये सब ये वैल्यू है आईवी की तो आप वेगा का कैलकुलेशन कर पाओगे इजीली, वेरी इजीली। वो कैसे करते हैं, जैसे कोई भी स्टॉक है उसकी कॉल वैल्यू 3 है और उसका वेगा अभी 0.05 है। अगर आईवी 1% बढ़ी, जैसे 26 से 27 रुपया हुआ आईवी का, अब मैंने बोला कि आईवी का प्राइस बढ़ता है तो वेगा का बढ़ता है, लेकिन वेगा का कितना बढ़ेगा, ओके, तो वो आपको कैसे मालूम होता है, न्यू थ्योरेटिकल के वैल्यू ये 1% मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि 1% आईवी चेंज हुआ ना, बटा 26 से 27 हुआ, यहां से यहां हुआ 14 से 15 हुआ। तो उस समय क्या होगा, जैसे 26 से 1% आईवी बढ़ी उस समय, तो ये वेगा है ना वो क्या होगा, 1% मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज इक्वल टू ये आई वैल्यू, तो 3 रुपीज प्रीमियम था ना ये वाला कॉल, तो वो उसके अंदर इतना आईवी का प्रीमियम ऐड हो जाएगा। ओके, तो ये सभी ऐड होगा ना, तब एक जैसे डेल्टा का थीटा वेगा का मतलब, तो सभी में ऐसा ऐसा चेंज हो कि एक पूरी ऑप्शंस की वैल्यू निकलती है। तो अगर आपको देखना है कि भाई इसमें कितना चेंज होगा, तो 3 रुपये का इसके अंदर इतनी वैल्यू आएगी वेगा की। ओके, तो उसी तरह अगर आईवी 2% बढ़ी, क्योंकि हमने देखा है कि सभी प्रीमियम्स अलग अलग हो रहे थे, ओटीएम का अलग होता है, आईटीएम का, हर एक स्ट्राइक प्राइस में अलग अलग प्रीमियम होता है, लेकिन अगर ये तो लीनियर बढ़ेगा ना 26 से 27,
तो क्या होगा, ये होगा कि अगर 2% बढ़ी आईवी तो 2% मल्टीप्लाई बाय उसका जो भी वेगा है वो इज इक्वल टू 0.1, ये ओल्ड वेगा बोलता हूँ वो, मतलब जो करंट वेगा है उसकी बात कर रहे हैं। ओके तो ये हुआ 0.01, तो न्यू कितना आएगा, 3.10, तो ये हुआ न्यू रेट अगर आईवी इतनी चेंज हुई तब। तो रिवर्स इफ वी फाइव, अगर आईवी डिक्लाइन हुई तो उसी तरह से न्यू न्यू वेगा है वो भी कम होगा। तो शॉर्टिंग अ कॉल और पुट एस्टाब्लिश अ शॉर्ट वेगा पोजीशन, कोई कुछ बोलता है कि मैं शॉर्ट वेगा हूँ तो उसका मतलब क्या हुआ, उसने कॉल या पुट शॉर्ट किया हुआ है। इन शॉर्ट चेंज इन आईवी इनटू वेगा इज इक्वल टू वेगा इफेक्ट, उसको बोलते हैं वेगा इफेक्ट। तो ओल्ड प्रीमियम प्लस वेगा इफेक्ट इज इक्वल टू न्यू प्रीमियम, जैसे हमने ये मैथमेटिकली देखा वो। नाउ मनी नेस मानी एटीएम आईटीएम ओटीएम, तो वेगा आपके ऊपर क्या इफेक्ट है। ओके आईवी इफेक्ट ओनली टाइम वैल्यू पोर्शन ऑफ द ऑप्शन। ओके तो आईवी का टाइम वैल्यू का जो पोर्शन है, जैसे हमने इंट्रिंसिक वैल्यू एक्सट्रिंसिक वैल्यू देखी, आप एक बार फिर से देख लेना। ओके तो आपको मालूम हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाएगा। तो आईवी अफेक्ट्स ओनली टाइम वैल्यू पोर्शन ऑफ एन ऑप्शन बिकॉज एटीएम इज हाइएस्ट अमाउंट ऑफ टाइम वैल्यू, एटीएम वेगा इज हाइएस्ट, क्योंकि एटीएम कॉल में हाइएस्ट अमाउंट ऑफ, मैं आप बताता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, राइट। आईटीएम एंड ओटीएम इज लोअर वेगा वैल्यूज देन एटीएम, तो उसके अंदर ये बेल शेप कर्व होगा। तो यहाँ अगर एटीएम होगा तो उसके अंदर ये हाइएस्ट होगा। जैसे आईटीएम ओटीएम, आईटीएम और ओटीएम आओगे तो गिरने लगेगी वैल्यू, तो उसको बोलते हैं बेल शेप कर्व। जैसे ये देखो कि 17,500 है, तो ये क्या है 750, तो ये घटती गई फिर वैल्यू वेगा की, और नीचे भी कम होती गई। तो एटीएम में वेगा सबसे ज्यादा है और ये राइट। आज इतना है, और इसमें अगर कोई क्वेरी हो तो बोलो अभी आगे। तो दो ग्रीक्स हो गए फिर। हाँ देखो भैया, ये डिफरेंट एक्सपायरीज है, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर और 30 दिसंबर। ओके तो 17,500 की स्ट्राइक है, तो इसका वेगा ये रहा। और अगर आप जैसे ओटीएम में जाओगे तो क्या होता है, गिरता जा रहा है, उसको बोलते हैं बेल शेप कर्व। बीच में सबसे ज्यादा, और ओटीएम और आईटीएम में नीचे नीचे कम होता जाएगा, उसको बोलते हैं वेगा इफेक्ट। क्या बोल रहे हो फिर से? हाँ हाँ नहीं भैया, आईवी हो ना उसका पूरा कैलकुलेशन डिफरेंट है, एटीएम आईटीएम और वो सब अलग है, इसकी पर्टिकुलर आईवी अलग होगी, इसकी भी आईवी अलग होगी, तो सबके सब ऑप्शंस की आईवी अलग होगी, आप समझे। और निफ्टी की आईवी डिफरेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, काफी लोगों को कन्फ्यूजन भी होगा इसके अंदर। लेट मी चेक फर्स्ट, अगर हमारे पास चार्ट अवेलेबल होगा ना तो आपको बताऊंगा ऑप्शन चेन के अंदर। सो आईवी है ना वो पूरा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आई विल टीच इन द नेक्स्ट सेशन। ओके क्योंकि आईवी है ना वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इट्स अ लार्ज सब्जेक्ट, या लाइक स्टैंडर्ड डिविएशन इन एवरीथिंग। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आईवी क्या है, क्योंकि आपको फिर मालूम होगा कि कैसे कैलकुलेट कैलकुलेट। ओके तो ये देखो, ये क्या है, आईवी है, तो सभी ऑप्शंस की आईवी डिफरेंट है, देख रहे हो, ये आईवी का कॉलम है राइट। तो सभी का आईवी है, हाँ नहीं ऐसा नहीं, देखो यहां पे 15 भी है, यहां पे 16 भी है। आईवी अगर आप एक बार कैलकुलेशन देख लोगे ना तब आपको, क्योंकि आईवी प्राइस से बनती है, तो ये प्राइस डिफरेंट है, ये प्राइस डिफरेंट है, और ये प्राइस डिफरेंट है। और आईवी का चार्ट है ना वो इंडिया में अवेलेबल नहीं है। ओके कोई भी
उसका उसका जो सॉफ्टवेयर रहता है वो 5-7 लाख या उससे ज्यादा का 1 महीने का सब्सक्रिप्शन है, और जो आईवी पे ट्रेड करते हैं वो आईवी का कोई भी इंडिकेटर अभी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं है ऑप्शंस के लिए। सॉरी नहीं, ये इसमें भी अवेलेबल नहीं है भैया, समझे? तो वो डिफरेंट सब्जेक्ट है। ओके, तो लेकिन इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन क्या था कि आईवी तो आईवी है ना, वो प्राइस से बनती है। ओके तो आईवी इज अ डिफरेंट, आईवी मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। बता देता हूं आपको कि आईवी क्या होती है, सिर्फ देखना ऐसा, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है उसका, क्योंकि अभी सेशन कंप्लीट हो गया है तो देखेंगे कि क्वेरी है तो बताना पड़ेगा मुझे फिर। देखो ये मैंने अपने हिसाब से गूगल शीट बनाई हुई है, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, तो ये मैंने आईवी कैलकुलेट किया है, मैं पर्सनल, मैं किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं इसके अंदर, ठीक है? तो इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल। जैसे आई थिंक मुस्तफा को मालूम होगा कि ये सब क्या है, तो इसीलिए वो मुझसे, मेरे पास है ना, हर रोज रिक्वेस्ट करता है कि साहब मुझे ये आईवी का लेवल मुझे भेज दो, ये वाला कॉन्फिडेंस लेवल। क्योंकि ऑप्शन सेलर को क्या चाहिए, उसको ये रेंज मालूम होनी चाहिए कि वीकली रेंज क्या है। ओके, तो ये वॉलेटालिटी बोलते हैं इसे, राइट? तो ये ऑप्शंस की आईवी इधर डिफरेंट थिंग। ओके, लेकिन आईवी ऑफ निफ्टी, ओके, ये 1 साल का डेटा है पूरा, तो उसके अंदर ये रेंज है, जैसे 68% कॉन्फिडेंस, 95% कॉन्फिडेंस और 99% कॉन्फिडेंस। ऑलराइट, तो ये क्या है, ये सब लेवल है। जैसे कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो ये वाले ऑप्शन सेल करना है उसको 1 वीक के लिए ऑन द बेस ऑफ बेसिस ऑफ आईवी। जैसे डेली वॉलेटिलिटी है यहाँ पे 1% है, ओके, 1 वीक की 2.24% है, ओके, और 2 वीक की, इन शॉर्ट ये स्टॉक इतना ही गिरेगा। जैसे आप ये डेटा देखो इसके, ये निफ्टी कितना है चेंज, 0.01% है ना उसकी डेली वॉलेटिलिटी आज के हिसाब से है। तो ये देखो 1% से अंदर ही घूम रहा है, ये -3%, ये इसकी डिफरेंट। इसमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ये कौन सा दिन है ना वो भी, लेकिन मेजोरिटी केस में क्या होगा, ये देखो 1% के अंदर ही निफ्टी घूमेगा, दिख रहा ही दे रहा है। ये सबको मालूम नहीं कि निफ्टी की रेंज कैसे, मीन्स उसकी, तो आईवी अगर आपके पास, आपने आपको खुद को कैलकुलेट करनी आ गई है आईवी, ओके, तो फिर आप कंफर्टेबल हो ना निफ्टी के, आपको मालूम है कि निफ्टी इतने में ही घूमेगा, तो मेजोरिटी केस आप ऑप्शन सेलिंग में विन हो जाओगे, समझे? तो ये देखो जैसे हमने 15 से चालू किया तो लॉस आया ही नहीं, 1 या 2 दिन ही है ऐसे कि जिसमें ये हुआ, और इसमें अगर आपको एडजस्टमेंट आते हैं इस दिन में तो आप किंग हो उसके अंदर, ठीक है, कुछ करना ही नहीं है बस। ये देखो, तो दिस इज अ मैथमेटिकल, ये इसको, ये पूरा प्रूफ है ये वाला। हाँ बोलिए, ये हमें आपको सिखाऊंगा पूरा। हाँ बोलिए। हाँ, बराबर, नहीं देखो ये 68% कॉन्फिडेंस, मतलब 68% इस रेंज में रहने की उसकी पॉसिबिलिटी है। ओके, हाँ नहीं मेरी बात सुनो आप, जैसे आप, आपको 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए कोई भी करने के लिए, तो अगर आपका 68% कॉन्फिडेंस, माने 68% टाइम इस रेंज में घुमा हुआ है मार्केट, समझे? और जैसे 100 आपको 100 डेज है फॉर एग्जाम्पल, तो 68 दिनों तक इस रेंज में घुमा हुआ है, फिर मैं बताता हूं क्या होता है। 95 डेज इस रेंज में घुमा हुआ है,
घूमेगा एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्योंकि एक ईयर की वॉलेटिलिटी 15% निफ्टी का है वॉलेटिलिटी कोई बोले तो। ओके तो 15% रिटर्न दिया है निफ्टी ने, या गिरेगा 15% गिरेगा या 15% रिटर्न देगा आपको। ओके तो लेकिन उसकी बीच की रेंज क्या है, तो ये है, अगर ये रेंज ब्रिज की तो उसको बोलते हैं ब्लैक स्वान। ओके अगर ये रेंज ब्रिज हुआ तो, अगर आप कोई मीन्स फाइनेंशियल टाइम और वो सब में पढ़ते हो कि ब्लैक स्वान है, ओके तो गिरा तो उसको बोलते हैं ब्लैक स्वान, और अगर बढ़ा तो उसको बोलते हैं व्हाइट स्वान। ओके लेकिन ये 5-6 साल में एक बार ही आता है ऐसा। ओके और उसके बाद में एडजस्टमेंट भी हो जाता है सब, जैसे मार्च का फॉल आया था फिर एडजस्ट हो गया अपने हिसाब से। ओके तो अगर आप ईयरली डेटा देखोगे, मिस आपको मैं बताऊंगा फिर बाद में, तो इन शॉर्ट ये क्या है कि ये डेली है, और सब लोग क्या उसको मालूम नहीं है किसी को कि निफ्टी का कूदने की ताकत 1% ही है अभी। तो अगर आपको मालूम होगा कि निफ्टी 1% बढ़ेगा, ओके फॉर एन एग्जाम्पल, और अगर आज जैसे कल के क्लोजिंग के आजू बाजू ही मार्केट आया, फॉर एग्जाम्पल 15,000 आया, और 15,000 का 1% कितना हुआ? एनीबडी? तो रेंज क्या निकल के आएगी? डेढ़ सौ पॉइंट की मूवमेंट आएगी ना। ओके तो ये है ना, ये मैथमेटिकली एक दिन में ये आपका सेफ्टी टारगेट हो गया, सेफ टारगेट हो गया ऊपर का और नीचे का। या परफेक्ट परफेक्ट, नाउ यू गॉट मी। अगर आपको स्ट्रेडल बनाना है, ट्रायंगल बना सकते हो, परफेक्ट बात है आपकी, नाउ यू गॉट मी। समझे? डेली के लिए बात कर रहा हूं, ये डेली की बात है 1% की। ओके ओके तो बस वही था, राइट? हाँ बोल। हाँ, अब मुझे बताओ ओटीएम कॉल में कौन सी वैल्यू होती है, और ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि नहीं होती है? मैं बताता हूँ, ये क्या लिखा है, परफेक्ट परफेक्ट, हू टोल्ड मी? परफेक्ट नहीं होता है, समझे? ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है, और अगर आप एक बार नेक्स्ट सेशन देखोगे ना तो आपको मालूम हो जाएगा, समझे? क्या भैया? ओके देखो थीटा आपका क्या है कि ओटीएम कॉल है, मैं आपको ऑप्शन चेन में बता देता हूं तो आपको ज्यादा बराबर। हाँ देखो यहां पे थीटा है ऑप्शन बराबर, और इसका डेल्टा कितना है? कम है, और थीटा तो आपको 6 रुपया मिलेगा यहां पे, और लूज कितना होगा? तो आपको 5-6 रुपया यहां पे गारंटेड मिलने वाला है थीटा में, और यहां पे क्या है, और यहां पे क्या है? हाँ समझे? तो इसे नियरली इक्वल बोल सकते हैं ना इसको। लेकिन ओटीएम में जाओगे ना आप, तो ओटीएम में आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि जिसमें थीटा का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू, ये कॉन्सेप्ट मालूम हो गया तो आप ऑप्शन सेल कर सकते हो कंफर्टेबली। तो थीटा, वेन एवर थीटा इज ग्रेटर देन डेल्टा ना, यू कैन इजीली सेल, क्योंकि आपको मालूम है इसमें श्योर श्योर इतना प्रॉफिट आएगा, जाएगा तो इतना ही जाएगा, और यहां पे आने में भी देर लगेगी इसको। हाँ देखो आईवी कॉन्सेप्ट है ना, जैसे मैंने बताया सब लोग क्या करते हैं कि आईवी कोई रेगुलरली चेक नहीं करता। ओके और आईवी अभी पर्टिकुलर अंडरलाइंग की अलग अलग होती है, जैसे आप यहाँ पे देखो आपको मालूम है कि डेली वॉलेटिलिटी कितनी है कोई भी निफ्टी की? 1% है। ओके तो 1% तक, 1% की रेंज के अंदर तो आपको कंफर्टेबली सीटिंग करके ही बैठना है,
क्योंकि हिस्टोरिकल बोलते हैं ना, ये हिस्ट्री बोलती है, हम नहीं बोलते, मैथमेटिकल है ये सब, इसके अंदर ही घुमा है ये, देख रहे हो। चलो रिसेंट का देखो, ये सब क्या है, ये रिटर्न मीन्स डेली परसेंटेज चेंज। हाँ तो फिर आप उसके अंदर ही बैठे रहो ना, कंफर्टेबली ही बैठना है आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है कि सब लोग इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, समझे? और इंट्राडे में क्या होता है, रिस्क ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें थीटा वैल्यू बहुत कम है ना इंट्राडे के अंदर। तो 11-12 रुपये प्रीमियम के लिए आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, और आप सब लोग सोचते हैं कि मैं इसमें से रोज कमाऊंगा, और डायरेक्शनली उसको मालूम भी नहीं है कि निफ्टी कहां जाने वाला है। हाँ, वो कैसे, वो जिनके पास बहुत सारा कैपिटल है, बराबर, जैसे मेरे फ्रेंड और वो सब, हम पहले से पहले भी करते थे ऐसा, बराबर। मैं आपको बता दूं वो क्या करते, जैसे भी थीटा वैल्यू इज ग्रेटर देन डेल्टा है ना, वो सब बेच डालो ऊपर नीचे का, ओके। लेकिन वो सब प्रॉफिट दिखाने के लिए अच्छा नहीं है पब्लिक को, क्योंकि वो वायबल नहीं है ट्रेडिंग के लिए, सबके पास थोड़ी ना 2-5 करोड़ हो गए, ओके। तो ये सब है उसके अंदर, एनीथिंग एल्स। तो इन शॉर्ट मैं क्या बोल रहा हूं कि आईवी का नॉलेज नहीं है, इंट्राडे कर रहे हैं और एडजस्टमेंट देख रहे हैं, तो वो उनको, इन शॉर्ट उनको ग्रीक का नॉलेज ही नहीं है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, ओके। लेकिन अगर आप देखो कि सिर्फ आईवी सबका बाप है ऐसा समझ लो, ओके। तो अगर आपको मालूम है कि निफ्टी की रेंज सिर्फ 1% ही है ऊपर नीचे जाने की, ओके, और आप हिस्टोरिकल भी देख सकते हो, ये वाला पूरा कॉलम पूरे साल का, ये 0.69, ये सब अलग है, ओके। तो ये यहां पे क्या होगा, वो लोग लॉस करने चालू कर देंगे, उनको तो 1% मालूम भी नहीं है, समझ लो किसी को। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप आ गए वीकली के अंदर, तो वीकली की रेंज फिक्स हो गई आपकी सेलिंग की। अगर आप जितना कॉन्फिडेंस ज्यादा वर्क करोगे ना, उतना आपका विनिंग रेशियो ज्यादा होगा, समझ रहे हो? आप यहाँ पे 68% रिस्क रहे हो, मीन्स आपका रिस्क ज्यादा है, यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है, और यहाँ पे रिस्क जीरो है, क्योंकि इसके आगे तो ब्लैक स्वान आएगा भैया, और वो कितनी बार हुआ है। हाँ, और आया तो भी ऐसा नहीं कि 1 सेकंड में आ जाएगा, पोजिशनल में आएगा, और पोजिशनल में भी टेक्निक है कि इसको कैसे हेज करते हैं सबको, बराबर। कोई नेकेट नहीं रखता है अपनी पोजिशन को, अगर लॉन्ग कर रहा है वो, तो 2-4 दिन रखेगा, अगर थीटा ऐसा हो गया तो वो फिर उसको, और अगर ब्लैक स्वान आ भी गया तो भी कोई टेंशन नहीं है, समझ लो, तब भी हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं इसके अंदर, अगर हमारे पास ग्रीक का पूरा नॉलेज है तो, और पैसा है तो। सही है? तो हर एक स्टॉक की अलग अलग होती है इसके अंदर, जैसे बैंक निफ्टी की देखो। गूगल में ऐसा होता है, एनीवे, इन शॉर्ट ये बैंक निफ्टी का अलग होता है, राइट। तो इसके इसमें थोड़ी अलग वैल्यू निकल के आएगी, ऐसा है। नहीं, वो गूगल में सर्वर का प्रॉब्लम होता है कभी कभार, संडे को स्पेशली होता है। ऐसे ये 246 है ना, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग में मुझे सिर्फ 246 ही करना है, वो बाद में जब सीखेंगे ना, तभी आपको पूरा सीट भी दे दूंगा, बराबर। लेकिन अभी तब इतना देखो कि ये इतना है, ओके। अगर नेक्स्ट एनी क्वेश्चंस, नहीं, कोई बात नहीं, बोलिए। हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ परफेक्ट। सी, मेरा एम वही है भैया, देखो कि अगर पहले आप क्या देखो कि पहले आपको ये देखना है कि ये सब ग्रीक्स क्या है, बराबर। एंड वंस यू अंडरस्टैंड द ग्रीक्स, देन ओनली यू कैन अप्लाई द नॉलेज ना, बराबर। तो पहले आप देखो और ऑब्जर्व करो कि क्या हो रहा है, अगर आपको लाइव मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इसके अंदर, ओके। जैसे डेल्टा है, क्या है, हेजिंग करने के लिए बना है, ओके, और डायरेक्शन का है, और अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो
तो आप क्या परचेस करोगे, डेल्टा करोगे कि थीटा करोगे? ओके, तो आप डायरेक्शनल ट्रेडर हो तो आप डेल्टा के ऊपर ट्रेड करोगे। अगर आपको डायरेक्शनल ट्रेड नहीं लेना है, ओके, तो आप क्या करोगे, आईवी यूज करोगे ना? ओके ओके ओके, तो आईवी आईवी मीन्स थीटा, वही वही हुआ ना अंदर, क्योंकि वेगा है ना अंदर, राइट? तो वो आप कौन से टाइप के ट्रेडर बनोगे ना, वो इसके हिसाब से नक्की होगा फिर। और कोई भी मार्केट में, जैसे मार्केट के मैंने स्ट्रक्चर भी बताए थे कि बुलिश, बेरिश और साइडवेज और ऑसिलेट और सब है ना, तो उनके अंदर कैसे ट्रेडिंग करते हैं ना, वो आपको ग्रीस की नॉलेज के बाद मालूम होगा। क्योंकि ये क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं है इक्विटी के जैसा कि 2 रुपया भाव बढ़ा तो हमें 2 रुपया प्रॉफिट मिलेगा, हर ऑप्शंस के भाव डिफरेंट होते हैं। तो ग्रीक्स के बिना मत करो ऑप्शंस। ओके ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय। हाँ, गो ऑन। ओके यस, ओके ओके आप 2 ईयर का भी चेक कर सकते हो डेटा आईवी का, लेकिन आपको ट्रेडिंग करना है तो 1 ईयर का रिलीवेंट है, समझ गए? आप 2 ईयर की आईवी चेक कर सकते हो, लेकिन आपको 1 साल के ज्यादा आप लिप्स लिप्स में ट्रेडिंग करते हो ऑप्शंस के, लिप्स मानी मालूम है, ऑप्शन लिप्स, लिप्स लिप्स LEAPS, वो 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट होता है, निफ्टी में अवेलेबल है। अगर उसमें आप सेलिंग कर रहे हो कोई, ओके, तो वहां पे वो यूज करो 2 साल का डेटा, लेकिन इंडिया में नहीं चलते बहुत। मैं करता हूँ कभी कभी, ऐसा है, समझे आप? एनी अदर क्वेश्चन? क्वेश्चन अभी नेक्स्ट सेशन चालू करेंगे बाद में, राइट? सी यू, बाय बाय, गुड नाइट। અવાજ ના આવે ને રેકોર્ડિંગમાં, એટલા માટે નહોતો કરતો અહીંયા રેકોર્ડિંગ કરતો